यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शत प्रतिशत परिणाम दिया है। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार के अनुसार हाईस्कूल परीक्षा 2024 में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी मेधा का डंका बजाते हुए प्रदेश की मेरिट में 3 स्थान तथा जिले की मेरिट में 7 स्थानों पर कब्जा जमाकर अभूतपूर्व परिणाम दिया है। उन्होंने बताया, पिछले वर्षों की भांति सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। राज सिंह ने 587/697.83% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान तथा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिवेंद्र सिंह ने 584/697.33 अंक प्राप्त कर प्रदेश में सातवां तथा विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नितिन मिश्रा ने 583/697.17 अंक प्राप्त कर प्रदेश में आठवां तथा विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के 401 छात्रों छात्राओं में 90% बच्चों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर ससम्मान हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में अभ्युदय मिश्र एवं अंश सिंह ने 465/593% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाश्वत मिश्र ने 463/592.6 विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर आदर्श सिंह एवं अतुल कुमार भारतीय 462/592.4 रहे। विद्यालय के 306 छात्रों में 90% छात्रों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर ससम्मान इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आज हमारे विद्यालय के 3 भैयाओं ने, चौथी भैया राज ने 7th पोजीशन यूपी बोर्ड में, भैया शिवेंद्र और भैया नितिन ने 8वीं पोजीशन प्राप्त की है। ये विद्यालय के लिए, विद्यालय प्रबंधन के लिए बहुत गौरव का विषय है। हम इन भैया बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इसी तरह से अपने भविष्य को उज्जवल करें, और जो आचार्यों ने इनके साथ मेहनत की उसके कारण इन बच्चों का अच्छा परिणाम आया। इनके माता पिता का सहयोग रहा और बच्चों की खुद की अपनी तपस्या रही, साल भर उन्होंने मेहनत किया, उसके परिणाम स्वरूप आज इनको ये दिन देखने को मिला। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और सभी बच्चे हमारे विद्यालय में आ गए हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। महिस्ता श्री, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा और अपने पुराने भैयाओं को जो इस समय बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहें और आचार्य जी के द्वारा जो सुझाव बताए जाए उन्हें फॉलो करें। किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से जो आपने रैंक, आप विद्यालय में रेगुलर उपस्थित रहें और प्रतिदिन रेगुलर स्टडी करें। सबसे बड़ा श्रेय तो विद्यालय का होता है। विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य जी हमेशा अपनी कर्मठता के कारण से यहाँ पे परिचित रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को, अगर आप देखें तो हम लोग को कई विषय में हम लोग को यहाँ से बहुत सारा योगदान मिला है। जैसे समर वेकेशन होती तो एक महीना के लिए विद्यालय छोड़ देता है, लेकिन हम लोग को विद्यालय पूरा गाइडेंस किया है। हम लोग समर वेकेशन में भी हमारी कंटिन्यू क्लास चली है, मतलब 4 घंटे से 4 सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की, 6 सब्जेक्ट, जितना हमारा मतलब 4 रहती थी उतनी क्लास चलती थी। प्लस जब हम मॉर्निंग में आते थे उसके बाद जब मतलब स्कूल, जब सारी स्कूलें ओपन हो गई तब भी हमारा मतलब पढ़ाई 8 पीरियड चलते थे। 8 पीरियड के अलावा भी हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल सर ने मतलब सुबह भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चलाई, शाम को भी 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास चलाई। उसके बाद डाउट्स क्लियर करने के लिए कोई भी टीचर से हम कुछ भी, अगर हम मतलब किसी भी डाउट से अगर हमें होता था तो हम अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते थे। उसके अलावा भी हम यहाँ पे रुक करके 1 घंटे 2 घंटे पढ़ सकते थे। घर जाने के बाद हमें सारे टीचर्स के कांटेक्ट नंबर हमारे पास रहते थे। अगर पढ़ते समय यदि आपको 10 बजे 11 बजे भी अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप डायरेक्ट फोन करके उनसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, छात्रों को टिप्स सबसे पहले यही है कि मतलब वो विद्यालय आए अपने और विद्यालय के ऊपर विश्वास रखें। यदि उनका विद्यालय कह रहा है कि मैं आपको यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ तो जरूर उसका योगदान रहेगा। इसमें आपकी गलती है, अगर आप नहीं पहुँच पाते तो मतलब आपकी गलती होती है कि आपने विद्यालय को कंटिन्यू नहीं किया है सबसे पहले। और कुछ बच्चे ऐसे भटक जाते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग कोचिंग करने लगते हैं तो कोचिंग जैसे करने लगते हैं तो कोचिंग करने में सर उनका सेल्फ स्टडी का समय निकल जाता है और बोर्ड हमारा जो है वो सेल्फ स्टडी मांगता है कि कितने घंटे बच्चे ने खुद से मेहनत की है और कैसे की है। अब जैसा कि हमारे विद्यालय में है नियम कि मतलब कोचिंग की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्कूल ही प्रदान कर देगा कोचिंग में, कहीं आपको दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा फीस भी हो उसकी, आपको सारा सुविधा फ्री है। आप रात मतलब 24 घंटे इंटू 7 कर सकते हैं, मतलब हर हफ्ते में 24 घंटे आप
जब भी चाहे जहाँ रहे आप कॉन्टेक्ट नंबर से कैसे भी बात कर सकते हैं। प्रधानाचार्य ने सहित काशी प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर एवं प्रदेश निरीक्षक शेषधर द्विवेदी ने मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय सिंह, अध्यक्ष च्यवन भार्गव, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, व्यवस्था प्रमुख दीपक यादव सहित विद्यालय के समस्त आचार्य बंधु उपस्थित रहे।